हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, दोस्तों अगर आपके पास ब्लूटूथ एरर आ रहा है, ब्लूटूथ प्रॉब्लम हो रही है विंडोज 11 पीसी में, तो आप जो है इसकी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस है या फिर ब्लूटूथ स्पीकर है, अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके पीसी में, तो आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको जो है विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको विंडोज़ 11 की सेटिंग में जाना है। स्टार्ट मेनू पर क्लिक कीजिए, सेटिंग पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ट्रबल शूट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर अदर ट्रबल शूटर के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्लूटूथ का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर रन के ऊपर क्लिक करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स, तो ये प्रोसेस कम्प्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपको जो है यहाँ पर इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है, जैसे कि मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पर गूगल क्रोम के सर्च बार में इस तरीके से टाइप करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ब्लूटूथ के ड्राइवर को जो है डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन के ड्राइवर है, तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास विंडोज़ 10 32 बिट है, तो आप ये वाला ड्राइवर जो है डाउनलोड कीजिए। मेरे पास जो है यहाँ पर विंडोज़ 11 है, तो यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया है, तो अभी आपको इंस्टॉल कर बताऊँगा। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्टवेयर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, तो आप इसको डबल क्लिक कर इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर इसको इस बॉक्स में चेक करना है, फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको टिपिकल सेलेक्ट करना है इस तरीके से। उसके बाद इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों, आप विंडोज़ 11 के सर्च बार में टाइप कीजिए सर्विसेस, उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है ब्लूटूथ ऑडियो गेटवे, तो आप यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप आपको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके के ऊपर क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ पर ब्लूटूथ सपोर्ट सर्विस इस वाले ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर स्टार्टअप टाइप ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना है। फिर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके कर देना है। उसके बाद आप जो है यहाँ पर इस सेटिंग को क्लोज कीजिए। एक बार आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कीजिए, आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, और इसी तरह के वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।